छोटी पब्लिक मुझे भिगोने के लिए आई थी सुबह सुबह सौम्या मानस सही और वीरा वीरा किधर है? हाँ तो चले यहाँ से सीधा चलते हैं नीचे गांव में। तो हे गाइस गुड मॉर्निंग, सुबह के बज रहे हैं 8 और मैं जा रहा हूँ, तो होली का कार्यक्रम चालू है तो मैं सीधा जाऊँगा यहाँ से आदमापुर। तो मेरी आई और मेरी बहन वहाँ पर है तो उनको लेते हैं और अपने घर आते हैं और बाल मामा के दर्शन करते हैं। तो चले गाइस मैं दिखाता हूँ आपको बाल मामा का मंदिर और उनका दरबार जो कोल्हापुर में आदमापुर गाँव में। तो सुबह सुबह की अपनी मॉर्निंग राइड होते हुए हम जा रहे हैं सीधा आदमापुर। यहाँ से मैं आपको जो रास्ते का सीन है वो दिखाता रहूँगा गाइस। तो चलिए गाइस अपने स्प्लेंडर में थोड़ा पेट्रोल कम है तो पेट्रोल फिलअप करा दे यहाँ से 2 लीटर दे यहाँ पर देखते ठीक है 220 काय ना होगा। तो गाइस पेट्रोल फिलअप करा लिया हमने, सीधा चलते हैं। तो गाइस बिद्री बस से जो आदमापुर गांव है बाल मामा जी का जो गांव है आदमापुर कोल्हापुर गारगोडी रोड पर जो तिट्टा गांव लगेगा जो कि आगे आ रहा है गांव, वहां से लेफ्ट लेकर 2 किलोमीटर दूर है सिर्फ। वहां से आप त्रिमुदा टावर से लेफ्ट लेंगे तो 2 किलोमीटर जो उनका गांव है जो कि है आदमापुर, जो बाल मामा जो धनगर समाज के लोग हैं उनके वो देव है, लेकिन हर महाराष्ट्र में हर कोई उनको उनकी इससे वाकिफ है। बाल मामा जी की जो फेम है वो बहुत ही बढ़िया है और बहुत ही। तो गाइस मेरी आई और मेरी बहन आगे आ चुकी है, देखते हो कहाँ तक आ चुकी है और वहाँ से उनको पिकअप करते हैं। तो सब ये जो रोड है टावर से लेफ्ट लेकर सीधा 1 या 2 किलोमीटर ऐसे गाँव है वो आदमापुर, वहाँ पर है अपने बाड़ो मामा के मेरे भाई और बहन। नाम हो मानो मानो लाओ दे थाम पांढरा शर्ट आहे थांबा ऐका सोना पांढरे कपडे विषय सांगतो थांबा तुमचा व्हिडिओ काढतो उभा राहायचा मी तुमचा व्हिडिओ करतो इकडे लावा मला मी मम्मीला घेऊन येतो मी परत खेळतो तुमच्यावर मी खेळतो तुमच्यावर आलो मी पहिला इकडे बरा सोम्य इकडे सगळे जण आहे इकडे। तो गाइस हमने मेरे बहन और माई को पिकअप करके उनके घर छोड़ दिया है माई के घर, तो जाते हैं फिर से मेरे आई को लेने जो कि खड़े थे टावर। आज का सीन है कि आज है होली तो सब बच्चे लोग होली खेल रहे हैं, मैं अब आगे एक एक शॉट लेता हूँ बाबे बाहर निकाल नंतर तो दहा वाजता है। तो मैं
तो गांव में ऐसा सीन है कि सभी तरफ आज होली मनाए जा रहे हैं। सीन है भाई, तो पहला फोकस अपना मोबाइल कब आएगा भाई। आज कल तो ले गई आईफोन 12, जो कि मैंने एक सेकंड हैंड देखा हुआ है, वो ले गया। तो कल आज मेरी माँ को लेकर जाऊँगा मैं, और वहाँ पर मोबाइल लूँगा जो कि 128 GB, 128 GB का वेरिएंट हम लेंगे। ले गए इस तिट्टा भर से अपने आई को पिकअप करते हैं। हम लगभग पहुँच ही चुके हैं, जो कि मैंने पहले पिकअप किया था मेरे बहन को और माई को, उनको घर छोड़ के आ गए वो मैं चलते आगे। तो मेरी आई आ चुकी है, उनको पिकअप करते हैं, चलते यहाँ से। चल तो मेरे आई को मैंने पिकअप कर लिया, यहाँ से सीधा चलते अपने घर जाएंगे। यहाँ से चलते उनके साथ ही आई भी और एक है, उन्हें लेते हैं, उनको छोड़ते बिद्री पर। तो गाइस हम गांव में रुके थे, गांव में ले 5 kg चौरी ज्वारी, उसे हिंदी में क्या कहते हैं मुझे तो नहीं आता, तो लिए जो कि भाकरी करने के काम में आते हैं। आई तो मैं आपको आगे दिखाता रहूँगा। आज होली का दिन है, मैं भी कपड़े चेंज करूँगा और आऊँगा नीचे होली खेलने। इकडे जरा कलर नको पळा। छोटी पब्लिक मुझे भिगोने के लिए आई थी सुबह सोम्या, मानस, सही और वीरा। वीरा किधर है? हाँ तो चले यहाँ से सीधा चलते हैं नीचे गांव में। तो गाइस शाम के बज रहे 5 और आते हैं हम थोड़ा घूम के अपने खेत की तरफ से। तो कल रात आई और बाबा ने रात भर पानी दिया था, तो अभी पहुँचने वाले हैं अपने खेत। और राजू अन्ना भी इधर है। राजू अन्ना इधर आओ, गाड़ी बंद करके जरा घूमेंगे खेत में। तो अपने खेत की जो गन्ने की खेती है जो अभी तक बहुत ही इम्प्रूव हो चुकी है, तो आप पिछले ब्लॉग में देख सकते हो। तो मैं आपको आई बटन पर दे दूंगा। और अपने मक्का भी काफी बड़ा हो चुका है। ये अपनी मूंगफलियाँ जो काफ़ी बड़े हो चुके हैं अब तक, जो मैंने ब्लॉग किया था लगभग 15 दिन पहले जब मैंने स्टार्ट किया था। यहाँ का सब
देख लिया है। अभी जाते हैं दूसरे प्लॉट में जो कि यहाँ से 300 से 400 मीटर दूर है हमारा खेत, वहाँ जाते हैं। वहाँ पर भी गन्ने की खेती है, वो देखेंगे जो कि वो भी गन्ने की खेती है। तो चले आगे, पीस होता है गन्ने का, उससे 10-12 गन्ने के जो पौधे हैं वो निकल दे गन्ने 10-12, तो इससे उनका ये होता है ग्रोथ होती है। वो जो मैंने पिछले बार डाला था यूरिया और सुपला। तो गाइस यहाँ से सीधा चलते हैं अपने दूसरे खेत में जो कि हमने एक ब्लॉग बना था संडे टास्क, तो उस खेत पे चलते। तो आ चुके गाइस अपने उसी खेत पे, तो देखते तो आप देख सकते हो जब हम पिछली बार इसे उपजाऊ जो हमने सुपलार यूरिया डाला था तब से काफ़ी अच्छा इसकी ग्रोथ हो चुकी है, जो बाबा की मेहनत है। ये तिल कितने छोटे छोटे थे अब कितने बड़े हो गए, तो संडे टास्क की वीडियो में देख सकते हो कि संडे को लगभग एक हफ्ते पहले कितना था अब कितना है। ये सब मेरे बाबा और आई का ही है मेहनत। दो प्लॉट है, ये और ये वाला, तो ये तो अपना नहीं है, फिर ये अपना है, दोनों में फर्क देख सकते हो इस एंगल से भी देखिए। चना भी थोड़ा थोड़ा आ चुका है, सब मोर ने खा लिया है। अभी देखते हैं दूसरा जो मेथी थी वो मेथी उगी है नहीं। हाँ तो ये मेथी देखिए, पूरी की पूरी खाने के बाद भी थोड़ी बची हुई है। ये धनिया, ये धनिये की पूरी लाइन। तो गाइस ये प्लॉट भी अपना रोड साइड है, तो इसको भी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो चुकी है जो कि आप देख सकते हो। जरा सा भी इसमें ये नहीं था पानी पिलाने वक्त, अभी काफ़ी तरह से ग्रो हो चुका है। तो यहाँ से सीधा चलते हैं, अभी जो काम होगा वो करेंगे और अपना यहाँ का सीन एंड करेंगे। तो चलिए, तो अपने घर जो खेत में से रोड जाता है वो यहाँ से सीधा घर पर भी जाता है। चलिए, यहाँ का काम हुआ है जो काफ़ी बड़ी रोड हो चुकी है, जो खेत के लोगों ने इधर रही करा हुआ था वो सब साफ किया है। कितनी चौड़ी रोड हो चुकी है देखो, ऐसे सबको करना चाहिए। पहले काफ़ी छोटी सी गली टाइप लगती थी अपने होम कर देता की गाड़ी पल्सर, तो चले थोड़ा कमलेश को जाकर मिलते हैं उसके घर, देखते हैं क्या कर रहा होगा वो। बता आज अपने गांव में आज से सप्ताह चालू हो गया जो कि हरिभक्त पारायण होता है, जो कितने दिन चलता है कम्प्लीट 7 दिन। तो 7 दिन यहाँ पर प्रॉपर वे में सब बैठे इस साइड में उनको खाने के लिए मिलता है, और इस जो मंदिर है प्रॉपर मंदिर में सब 7 दिन उनका पारायण चलता रहता है। तो ये पूरा 7 दिन चलेगा।